तो हे गाइस, वेलकम बैक टू एलबी ब्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको प्लस टू के बाद आप ऑस्ट्रेलिया कैसे जा सकती हैं। स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियो होगी, बिल्कुल भी स्किप मत करना। सब कुछ पता लग जाएगा आपको कि हाँ आपका कब क्या स्टेप होगा, कैसे आपको कब कितना स्कोर लेना है। तो डिटेल वीडियो होगी, आई होप आप वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेटिव या कुछ सीख के जाओगे। और अगर आपका और भी कोई डाउट हो ऑस्ट्रेलिया के रिगार्डिंग, सभी वीडियोस मैंने बना दिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा और आप कमेंट करके अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहला स्टेप है आपका वो है 10th और प्लस टू मिनिमम 60% आपके होने चाहिए। अगर आप अभी 10th या प्लस टू में हो तो आप अपनी स्टडी पे अच्छे से ध्यान दें और कम से कम 60% लेनी ही है आपको। जो आपका सेकंड स्टेप है वो है आईलेट्स या पीटी टेस्ट देना, उसमें भी आपके ओवरऑल 6 बैंड होने चाहिए तभी आप ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन ले सकते हो, उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। जो आपका थर्ड स्टेप है वो है यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना और उसमें अप्लाई करना। तो जैसे आप किसी अच्छे से कंसल्टेंट के पास जाओगे तो आप उसको यूनिवर्सिटी बता सकते हो या फिर वो खुद से भी आपके लिए अच्छे से यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकता है। वैसे आप खुद सर्च करके अच्छे से यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना जो भी आपके प्रीवियस स्टडी से रिलेटेड अच्छे से आपको स्टडी कराएगी, जिससे आपको बेनिफिट भी होंगे। तो जैसे आप अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लोगे और अपने प्रीवियस स्टडी से रिलेटेड ही अपने कोर्स सेलेक्ट करोगे, आप फिर अप्लाई कर दोगे वहाँ पे, तो उसके बाद आपको ऑफर लेटर मिलेगा। ऑफर लेटर की जो टाइमिंग है वो है 20 से 25 या 30 दिन, इसके बीच में सभी का ऑफर लेटर आ जाता है। और 2023 में तो और भी जल्दी हो रहा है सारे काम, तो जल्दी भी आ सकता है। और अगर ऑफर लेटर के बारे में आपको डिटेल में समझना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद ऑफर लेटर में आपके जो है आपको आपके कोर्स के बारे में, कोर्स का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, यूनिवर्सिटी की लोकेशन, आपकी फीस, ये सब कुछ डिटेल होंगी आपकी। उसके बाद आपके नेक्स्ट स्टेप होगा जो आपका जीटी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जीटी प्रोसेस में आपका ये है कि आप आपके पास जो आपकी उसकी फीस है आपके पास वो है या नहीं वो चेक किया जाएगा। आप यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में रहोगे तो आपके पास रहने के लिए पैसे हैं या नहीं है वो चेक किया जाएगा। आपके जो है आप जेन्युइन हो या नहीं, आपने जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं जैसे अपना 10th का और प्लस टू के TMC है वो प्रोवाइड किया, अपना पासपोर्ट, वो सभी वो चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि आपका सब जेन्युइन है या नहीं है। जब वो हो जाएगा उसके बाद आपका अगला स्टेप होगा GT इंटरव्यू। उसमें आपके पास फोन कॉल आ सकती है, वीडियो कॉल या फिर एक रिकॉर्डेड इंटरव्यू हो सकता है। वो तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, उसको उसके लिए कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। उसके भी अगर डिटेल में आपको जानना है क्या होता है वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसमें आपका उसमें भी आपको सिर्फ ये चेक करेंगे आप जेन्युइन हो या नहीं, आपसे पूछेंगे आप ऑस्ट्रेलिया क्यों आना चाहते हो या फिर आपने किसी और कंट्री क्यों नहीं जाना या फिर अपनी होम कंट्री में अपनी स्टडी क्यों नहीं कंटिन्यू कर रहे, आप अपनी एक्सपेंसिस और पे कैसे पे कर रहे हो, ये सब होगा। फिर जब आपका वो क्लियर हो जाएगा उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाओगे, वहाँ पे आपको अपनी फीस पे करनी पड़ेगी। आपके उसमें आपके पास ईमेल आएगी, उसमें आपको लिखा होगा कि आप वो अपनी फीस है जो वो कैसे पे करनी है और कितनी पे करनी है। आपकी उसमें स्कॉलरशिप ऐड भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती, वो भी आपके सब कुछ डिटेल में आपके लेटर में ही होगा जो आपकी ईमेल आएगी उसमें। तो जैसे ही आप अपनी फीस पे कर दोगे उसके बाद आपको एक या दो दिन में ही एक रिसिप्ट मिलेगी, उसमें क्लियर होगा कि आपकी जो फीस है वो यूनिवर्सिटी के पास पहुंच गई है। उसके बाद आपका एक या दो दिन लेती है यूनिवर्सिटी आपको COE प्रोवाइड करती है। COE के बारे में भी आपको डिटेल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और COE में आपको बताया जाता है कि आप यूनिवर्सिटी ने आपको एडमिशन दे दिया यूनिवर्सिटी, उसमें भी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी कि यूनिवर्सिटी की लोकेशन, स्टूडेंट की जो इंफॉर्मेशन है वो सब, और जो आपके कोर्स के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन है वो सब आपकी COE में होगी। और उसके बाद COE मिलने के बाद आप अपने एजेंट से बोल लें या फिर जैसे भी आपको कराना है आप अपनी वीज़ा फाइल लगवा सकते हैं COE के साथ। तो जैसे आप अपनी वीज़ा फाइल लगवाएंगे उसकी भी आपको फीस पे करनी पड़ती है एम्बेसी को। तो
और आपकी वीज़ा फाइल लगने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होगा वो आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल स्टेप वैसे आप वीज़ा फाइल लगने के बाद भी करवा सकते हो या फिर आपकी मर्जी आप पहले भी करा सकते हो, मतलब कि कोरोना वायरस से पहले तो नहीं करा सकते लेकिन उसके बाद अब आप वीज़ा फाइल लगने से पहले भी अपना मेडिकल टेस्ट करा सकते हो, जैसे मैंने भी पहले कराया था। तो अगर आप चाहते हो तो पहले भी करा सकते हो, बाद में भी करा सकते हो। वैसे पहले कराने का यही फ़ायदा है कि आप उसके बाद आपको जो वीज़ा मिलने में जो टाइम होता है वो आपको कम लगता है। अगर आप बाद में कराते हो फिर आपका उसको प्रोसेसिंग चलती है, आप वहाँ पर जाते हो मेडिकल कराते हो फिर उसका जो सबमिट होता है वो, तो उसमें टाइम लगता है। आपका जो वीज़ा है वो आने को एक मिनट में भी आ सकता है, आने को एक महीना भी ना, क्योंकि इसके लिए भी टाइम होता है, किसी का जल्दी आ जाता है किसी का लेट भी आता है। तो यही था सारा प्रोसेस, कुछ डिफिकल्ट तो है नहीं बीच में, और आपने बस अपनी स्टडी पे ध्यान दें, अच्छे से अच्छे मार्क्स लें ताकि आप अच्छे से सब कुछ अप्लाई कर सको।